मूवी स्टार्ट होती है स्टॉर्क माउंटेन से, जहाँ पर हम देखते हैं एक स्टॉर्क को। ये बहुत जनरेशन से बेबी डिलीवरी का काम कर रहे थे। मौसम जैसा मर्जी हो, हालात जो मर्जी हो, पर ये जाकर कपल को उनका बेबी जरूर डिलीवर करते थे। पर कुछ अरसे के बाद इन लोगों ने बेबीज की जगह चीजें लोगों तक डिलीवर करना शुरू कर दी थी। यहाँ पर एक जूनियर नाम का स्टॉर्क था, जो कि बहुत ही कम अरसे में बहुत ज्यादा डिलीवरीज करने की वजह से cornerstore.com में बहुत जल्दी फेमस हो गया था। इतना फेमस होने के बाद भी जूनियर बिल्कुल अकेला था, क्योंकि ना उसके कोई दोस्त थे और ना ही फैमिली। एक दिन यहाँ का ओनर हंटर यहाँ पर जूनियर को बुलाता है और कहता है कि मेरी प्रमोशन होने वाली है और मेरी जगह खाली हो जाएगी, मैं सोच रहा हूँ तुम्हें यहाँ पर प्रमोट करके बुला लूँ। पूरी जिंदगी जूनियर ने इतनी मेहनत इसी दिन के लिए की थी, क्योंकि यहाँ पर वो प्रमोशन चाहता था। यहाँ पर हंटर उसे बताता है कि उन्होंने बेबी डिलीवरी क्यों बंद कर दी थी, क्योंकि एक दिन जैस्पर नाम के एक स्टॉक को एक बेबी से प्यार हो गया था और उसने उसकी डिलीवरी नहीं की थी। बाकी सारे स्टॉक्स ने जैस्पर को समझाने की कोशिश की थी कि इस बेबी को जाकर डिलीवर कर आओ, और इस समय बेबी का एड्रेस वाला बीकन भी जैस्पर से टूट गया था, जिसके बाद वो घबरा के वहां से भाग जाता है। और यहाँ पर फिर इन सब लोगों को उस बेबी को अडॉप्ट करना पड़ता है। अब जबकि वो बेबी बड़ी होने वाली है, यानी कि 18 इयर्स की, तो यहाँ पर हंटर जूनियर को एक टास्क देता है कि उस बेबी जिसका नाम ट्यूलिप है, तुम्हें उसे फायर करना होगा। इस टास्क को पूरा करने के बाद हंटर की पोजीशन यहाँ पर जूनियर की हो जानी थी। जूनियर इस टास्क के लिए हाँ कर देता है, बट वो दिल का बहुत ही ज्यादा साफ और अच्छा था, इसलिए उसके लिए ये टास्क ज्यादा ही मुश्किल था। जूनियर जब ट्यूलिप के पास जाता है तो वो देखता है कि कुछ इक्विपमेंट के साथ वो नॉन फ्लाइंग बर्थ के साथ उड़ रही है, और यहाँ पर इक्विपमेंट में कोई फॉल्ट आता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही हो जाती है। यहाँ पर जूनियर के पास परफेक्ट मौका था कि वो ट्यूलिप को यहाँ पर फायर कर दे, बट वो ऐसा नहीं कर पाता और ट्यूलिप को लेकर लेटर डिलीवरी डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है। जूनियर ट्यूलिप को कहता है कि अब से तुम्हारी जॉब यही है और तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। ऐसा करके वो एक तीर से दो शिकार करना चाह रहा था कि वो जाकर हंटर को बताए कि उसने ट्यूलिप को फायर कर दिया है और ट्यूलिप के पास जॉब भी होगी। अब यहाँ से सीन होता है नेट नामी एक बच्चे पर, जो कि अकेला खेलता रहता था पूरे दिन। उसके दोनों पेरेंट्स काम करते थे, जिसकी वजह से वो नेट पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, ना ही उनके पास नेट के लिए टाइम था। नेट इन सब चीजों से आहिस्ता आहिस्ता तंग आने लग गया था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसको ज्यादा फील हुआ कि उसके पेरेंट्स उस पे ध्यान नहीं देते। एक दिन वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि मुझे एक छोटा बेबी ब्रदर चाहिए, जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर सकूं और खेल सकूं। नेट के पेरेंट्स इस बात को सीरियस नहीं लेते और वो उसकी बात को हंसी में उड़ा देते हैं। अब रात को नेट एक लेटर लिखता है cornerstore.com को कि उसे एक छोटा बेबी ब्रदर डिलीवर्ड चाहिए। ये लेटर जाकर डायरेक्ट ट्यूलिप के पास पहुंचता है और वो अपनी जॉब की तरह इस लेटर को पहुंचाने में आगे निकल पड़ती है और वहां से बाहर निकल आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूनियर जाता है हंटर के पास बताने के लिए कि उसने अपना टास्क पूरा कर दिया है। ट्यूलिप तो बस अपनी जॉब करना चाहती थी। वो वहां से बाहर निकलती है ताकि लेटर को बेबी मशीन में डाल सके, और ये सब देख लेता है जूनियर एक टीवी स्क्रीन पर। इसके बाद वो सारे कैमरास ऑफ कर देता है ताकि हंटर ना देख सके कि ट्यूलिप वहां पर अभी भी मौजूद है। इसके साथ वो फौरन ट्यूलिप को रोकने के लिए बाहर जाता है, बट इससे पहले कि वो उसे रोक सकता, ट्यूलिप वो लेटर बेबी मशीन में डाल देती है। यहाँ पर बहुत कोशिश करता है जूनियर कि उस लेटर को रोक सके, इसमें उसका विंग भी जख्मी हो जाता है। इससे पहले कि जूनियर ट्यूलिप को लेकर वहां से चला जाता, एक बेबी पॉड आ जाता है। यहाँ पर जूनियर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, पर अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। वो बेबी पॉड और ट्यूलिप को लेकर फौरन लिफ्ट में पहुंचता है। वहां पर छोटा पिजन आ जाता है, जो कि उन पे शक कर रहा था। अब इससे पहले कि जूनियर की सारी मेहनत जाया हो जाती, वो ट्यूलिप और बेबी पॉड को लेकर उसके ऑफिस में पहुंचता है ताकि कोई देख ना सके। यहाँ पर जूनियर प्लान करता है कि वो अपनी बॉस बनने की सेरेमनी से पहले ही बेबी डिलीवर कर देगा, ताकि उसकी जॉब खराब ना हो। जूनियर ट्यूलिप को मना करता है कि बेबी को मत देखना, क्योंकि उसको याद आ जाता है कि कैसे जैस्पर ने बेबी की क्यूटनेस की वजह से सारा काम खराब कर दिया था। अब यहाँ पर वो कोशिश करता है कि बेबी पॉड के साथ उड़ जाए, पर उसका विंग तो खराब था, वो कैसे उड़ सकता था। अचानक से उसे ख्याल आता है कि उसने ट्यूलिप को एक मशीन से उड़ते हुए देखा था। ट्यूलिप उसे मना करती है कि इस मशीन के साथ तुम नहीं उड़ो, क्योंकि उसके प्लान्स कुछ और थे। ट्यूलिप जब बेबी को देखती है तो उसको रियलाइज होता है कि इसको उसके घर तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, जिसके बाद वो मान जाती है और उस मशीन में जूनियर के साथ बेबी को पहुंचाने के लिए रेडी हो जाती है। ये सब जैस्पर देख लेता है और उनको फॉलो करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नेट को, जो पहले ही अपनी बेबी ब्रदर के आने की तैयारियां कर रहा है। नेट के फादर जब नेट से पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो बताता है कि मैं अपने बेबी ब्रदर के आने की तैयारियां कर रहा हूँ।
यहाँ पर उसके फादर बताते हैं कि स्टॉक्स अब बेबी डिलीवर नहीं करते, पर यहाँ पर वो अपने फादर को कन्विंस कर लेता है और अपने साथ काम पे लगा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्यूलिप बार्बर जूनियर से पूछती है कि तुम बॉस क्यों बनना चाहते हो, बट इसका जवाब जूनियर के पास नहीं था। बार बार पूछने पर वो इरिटेट और गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो थोड़ा सा चिल्लाता है और यहाँ पर ट्यूलिप मशीन से गिरते गिरते बचती है। इसके बाद उसे बेबी के रोने की आवाज आती है। जूनियर उसे कहता है कि बेबी की तरफ मत देखो और ना ही कोई ध्यान दो, पर ट्यूलिप से रहा नहीं जाता और वो मशीन को ऐसे ही छोड़कर बेबी को चुप कराने में लग जाती है। अब यहाँ पर मशीन तो कोई चला नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो जेट मशीन नीचे गिर जाती है। इसके बाद तो जूनियर ट्यूलिप पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है और ये लोग नोट करते हैं कि कैसे बेबी चुप हो गया है और बिल्कुल ही खामोशी है। ये लोग अब बेबी पॉड को ओपन करते हैं ताकि देखें कि बेबी ठीक है कि नहीं। जब बेबी पॉड ओपन होता है तो अंदर से इतना ज्यादा क्यूट बेबी निकलता है कि इनसे रहा नहीं जाता। जूनियर डिसाइड करता है कि वो बेबी को लेकर जाएगा और खुद ही डिलीवर कर देगा। यहाँ पर जूनियर बेबी को लेकर निकल पड़ता है, पर रास्ते में उसे बहुत ज्यादा वुल्व्स मिलते हैं। यहाँ पर तो परेशान होकर जूनियर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को और ट्यूलिप को कैद पाता है और देखता है कि कैसे सारे वुल्व्स उस बेबी को खाने का प्लान बना रहे हैं। पर जब सारे वुल्व्स उस बेबी को देखते हैं तो वो भी उसकी क्यूटनेस के पीछे पागल हो जाते हैं और सोचते हैं कि इस बेबी को हम अपने पास ही रखेंगे। अब बेबी पीछे से रो रहा था और वुल्व्स अपनी डिस्कशन कर रहे थे। कभी कभी वो एक दूसरे को मारने भी लग जाते थे और ट्यूलिप नोट करती है कि जब वो एक दूसरे को मारते हैं तो बेबी हंसता है, जिसका फायदा उठाते हुए वो जूनियर को एक दो दफा मारती है और बेबी रोते रोते चुप हो जाता है। अब ऐसे ही सारे वुल्व्स को भातों में लगा कर वो एक दूसरे को खुलवा लेते हैं, जिसके बाद वो बेबी को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। पर यहाँ पर वुल्व्स ऐसे इतने क्यूट बेबी को छोड़ने तो वाले नहीं थे, वो भी इनका पीछा करने लगते हैं। ये लोग एक ब्रिज क्रॉस करते हैं और यहाँ पर जूनियर उस ब्रिज को तोड़ देता है ताकि वुल्व्स वहाँ तक पहुँच ना सके। बट ये वुल्फ भी बहुत चलाक थे, वो एक दूसरे की मदद करते हुए एक ब्रिज बनाते हैं और वहाँ पर दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं और इनका पीछा करने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कभी ये लोग पानी में बोट बना लेते हैं तो कभी यहाँ पर सबमरीन। वुल्फ तो बहुत बुरी तरीके से इनके हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे। अब ट्यूलिप और जूनियर बहुत मुश्किल से अपने शिप तक पहुँचने ही वाले थे, वुल्फ अब भी इनके पीछे थे। यहाँ पर आइस क्रैक करती है और ट्यूलिप नीचे गिरने वाली थी। यहाँ पर जूनियर सोचता है कि मैं ट्यूलिप को छोड़कर बेबी को डिलीवर करने के लिए चला जाता हूँ, पर क्योंकि उसका दिल बहुत अच्छा था वो ऐसा नहीं कर पाता और एंड टाइम पे आकर जूनियर ट्यूलिप को बचा लेता है। ये लोग अपनी मशीन को एक बोट बना के पानी में चले जाते हैं, जहाँ पर पीछे पीछे सारे वुल्व्स खुद को एक प्लेन बनाकर इनके पीछे आने लगते हैं, पर जाहिर है इनको उड़ना तो आता नहीं था और ये सब पानी में गिर जाते हैं। ऐसे ही फाइनली इनकी जान इन वुल्व्स से छुट जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेट की मॉम जब देखती है कि कैसे नेट और उसके फादर पूरी रूफटॉप को खराब कर रहे हैं ताकि एक स्टॉक आकर बेबी डिलीवर करे, तो वो उसके फादर को रोकती हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए। यहाँ पर नेट के फादर उसकी मॉम को समझाते हैं कि हम अपने बेबी को बहुत निगलेक्ट कर रहे हैं और ये टाइम वापस नहीं आने वाला, हमें उसके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिसके बाद नेट की मॉम भी उनके साथ लग जाती है काम पे। दूसरी तरफ बेबी अब बहुत ज्यादा रोने लगता है। ट्यूलिप बहुत कोशिश करती है कि बेबी को किसी तरीके से चुप करा दे, पर वो नहीं चुप करा पाती। इसके बाद जूनियर कुछ सिंगिंग करता है, जिसकी वजह से बेबी चुप हो जाता है और यहाँ पर इनका बॉन्ड ग्रो करता है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इस बॉन्ड को फील करते हुए जूनियर अचानक से थोड़ा डर जाता है और दूर चला जाता है। दूसरी तरफ हम उसी पिजन को देखते हैं जो पहले भी इनको एलिवेटर में मिला था और यहाँ पर वो पूरी तहकीक कर रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। उसको पहले भी कुछ बेबी पाउडर मिला था, जिससे उसका शक पूरा यकीन में बदलने वाला था और वो इनको फॉलो करने लग गया था। अब ये लोग रात के लिए स्टे करते हैं तो जूनियर दोबारा से ट्यूलिप को बताता है कि वो बॉस इसलिए बनना चाहता है क्योंकि वो बहुत अकेला फील करता है और ऐसे ही सब लोग उसकी बात मानेंगे और उसको इम्पोर्टेंस देंगे। अब जब ये लोग आपस में अपनी बातें शेयर कर ही रहे थे तो ट्यूलिप भी अपना सीक्रेट शेयर कर लेती है कि वो ये मशीन इसलिए बना रही थी ताकि वो भी अपने पेरेंट्स को ढूंढ सके। यहाँ पर उसको जूनियर कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि एड्रेस बीकन टूटने के बाद हम तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढ नहीं सकते। यहाँ पर उसको ट्यूलिप एक छोटा सा पीस दिखाती है जो कि एड्रेस बीकन का ही था। ये उसके लिए एक छोटी सी होप थी कि वो एक दिन अपने पेरेंट्स को जरूर ढूंढ लेगी, बट इस बेबी को देखने के बाद उसने सोचा कि इस मशीन को
इस बेबी के लिए यूज कर लिया जाए और इसी को अपने पेरेंट्स तक पहुंचा लिया जाए। ये दोनों पूरी रात उस बेबी को सुलाने में गुजार देते हैं और एट लास्ट वो बेबी ट्यूलिप की गोद में सो जाता है। यहाँ पर वो पिजन इन सबको देख लेता है और ये सब कुछ जाकर हंटर को रिपोर्ट करता है। हंटर को तो जूनियर पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने हंटर से झूठ बोला, और ऐसे ही पिजन से खुश होकर वो उसको बॉस बनाने के बारे में सोचता है। हंटर प्लान करता है कि बेबी को डिलीवर होने से किसी भी तरीके से रोकना होगा। दूसरी तरफ ट्यूलिप और जूनियर बेबी को लेकर एक शिप में जाते हैं ताकि वो उसको डिलीवर कर सके, और इस पूरे रास्ते में वो बहुत ही ज्यादा बेबी का ख्याल रखते हैं और इसी तरह वो इसके साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। दूसरी तरफ नेट भी अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था और न्यू बेबी के आने की पूरी तैयारियां चल रही थी। इस फैमिली ने मिलकर रूफ टॉप पर एक बहुत ही खूबसूरत डिलीवरी पैड बना लिया था ताकि वो स्टॉक आकर बेबी यहाँ डिलीवर कर दे। अब हंटर पिजन से कहता है कि तुम्हें कुछ करना होगा और पिजन अपना दिमाग यूज करते हुए वहाँ के एड्रेस को चेंज कर देता है ताकि सही एड्रेस पर बेबी डिलीवर ना हो सके। यहाँ पर ट्यूलिप और जूनियर उस शिप के पास पहुँचती है तो बेबी रोने लगता है और सारे लोग बेबी की तरफ देखने लगते हैं। अब यहाँ पर एक बार फिर से जूनियर अपना रूल तोड़ता है और बेबी को हग कर लेता है। हग करके जूनियर को भी बहुत अच्छा फील होता है और बेबी भी चुप कर जाता है। ऐसे सब लोगों का ध्यान हट जाता है और यहाँ पर शिप बस स्टार्ट ही होने वाली थी। जूनियर और ट्यूलिप उस शिप की तरफ भागते हैं और हम देखते हैं कि फिर से वो यहाँ पहुंच चुके हैं, क्योंकि शायद बेबी के बहुत ही ज्यादा दीवाने हो गए थे वो। यहाँ पर ये दोनों शिप के एक रूम में जाते हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा मिरर्स लगे थे। अब अचानक से ट्यूलिप को रियलाइज होता है कि स्टॉक्स तो मिरर्स देख ही नहीं सकते, और वो बहुत ही मुश्किल से गाइड करते हुए जूनियर को अपने पास तक बुला लेती हैं, और यहाँ पर भी विल्फ्स इनके साथ पहुंच ही जाते हैं और इनको हर तरफ से घेर लेते हैं। अब यहाँ पर आता है जैस्पर जो इनकी मदद करता है सारे विल्फ्स से लड़ने में, और यहाँ पर जैस्पर इनको बताता है कि कैसे उस जगह से निकलने के बाद वो एड्रेस बीकन को पूरा करने में लग गया था और इतने सालों में एक एक करके सारे पीसेस उसने जोड़ लिए थे, बट एक ही पीस मिसिंग है जो कि था ट्यूलिप के पास। ट्यूलिप उसको वो पीस देती है और एड्रेस बीकन जुड़ जाता है। अब ट्यूलिप के पास अपने घर का एड्रेस भी था। जैस्पर उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। जैस्पर चाहता था कि वो अपनी डिलीवरी कंप्लीट कर दे और ट्यूलिप को उसके घर तक पहुंचा दे। यहाँ पर जूनियर भी उसे कहता है कि तुम जैस्पर के साथ चली जाओ क्योंकि तुम अपनी फैमिली का बहुत सालों से वेट कर रही हो। इसके बाद ट्यूलिप जैस्पर के साथ अपने घर चली जाती है, बट इससे पहले कि वो डोर बेल करती वहाँ पर उसको अचानक से दोबारा बेबी और जूनियर याद आता है और वो एक बार फिर से उनके पास भाग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूनियर और बेबी उस एड्रेस तक पहुंच गए हैं जो कि खैर चेंज था। जूनियर जब बेल रिंग करता है तो वहां पर उसे हंटर और वो पिजन मिलते हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलकर जूनियर को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो बेबी को दे देते हैं पेंगुइन्स को और बेबी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेट के घर में पुलिस ऑफिसर आता है और उनको कहता है कि अपने रूफटॉप से सारी चीजें हटा ले। यहाँ पर नेट बहुत उदास होता है और उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि कैसे बहुत सालों से स्टॉक्स ने बेबी डिलीवरी करना खत्म कर दी है। वो नेट को बताते हैं कि वो ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि वो नेट के साथ टाइम स्पेंड कर सके क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। दूसरी तरफ ट्यूलिप जूनियर के पास पहुंच जाती है और उसको वहां से खोलकर ये दोनों निकलते हैं पेंगुइन्स के पास ताकि बेबी को बचा सके। वहां पर बहुत मुश्किल से पहुंचने के बाद वो लोग पेंगुइन से बहुत ही ज्यादा लड़ते हैं और एंड में बेबी को रेस्क्यू कर ही लेते हैं। ट्यूलिप जूनियर और बेबी स्टॉक कौन पहुंचते हैं जहां पर बेबी की आवाज से सारे के सारे स्टॉक्स उनको घेर लेते हैं। ये हंटर की एक चाल थी और इस वजह से जूनियर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस मशीन को ऑन कर लेता है जिसमें वो सारे लेटर्स थे जो कि लोगों ने बेबी डिलीवरी के लिए लिखे थे। इसके बाद बेबी मेकिंग मशीन ऑन हो जाती है और बहुत ही ज्यादा बेबीज उस मशीन से निकलने लगते हैं। अब हंटर जब ये सब कुछ देखता है तो वो एक बहुत ही बड़े रोबोट में बैठ कर आ जाता है ताकि उस फैक्ट्री को खत्म कर सके, उस मशीन को तबाह कर दे ताकि और बेबीज ना बन सके। अब यहाँ पर एक अजीब सी फाइट स्टार्ट हो जाती है और इसमें एक रिमोट बेबी के पास आ जाता है जिसके साथ वो खेलने लगता है, और ऐसे ही वो रिमोट था उस पूरी मशीन का जिसमें हंटर बैठा था, और इसी तरीके से खेलते खेलते वो मशीन को कंट्रोल करते हुए बाहर फेंक देती है। इस तरह से कॉर्नर स्टोर का पूरा डिपार्टमेंट नीचे गिर जाता है माउंटेन से और वहाँ पे सिर्फ बेबी मेकिंग मशीन ही बचती है। अब यहाँ पर जूनियर सब स्टॉक्स को समझाता है कि उनका असल मकसद क्या था
और वो सिर्फ और सिर्फ बेबी डिलीवरी ही था, जिसके बाद वो सारे स्टॉक्स को कहता है कि इन सब बेबीज को अपने अपने एड्रेस पर भेज दो। इसके बाद जूनियर उस छोटी बेबी को लेकर ट्यूलिप और जैस्पर के साथ उसके दिए गए एड्रेस पर जाते हैं ताकि बेबी डिलीवर कर सके। नेट की फैमिली उस बेबी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद सारे स्टॉक्स जाते हैं ट्यूलिप को उसके घर छोड़ने के लिए। ट्यूलिप यहाँ पे बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि वो इतनी बड़ी हो चुकी थी और उसे डर था कि क्या उसकी फैमिली उसको प्यार करेगी। पर जब वो बेल रिंग करती है तो उसकी पूरी की पूरी फैमिली उसे बहुत ही वार्म वेलकम देती है, जिसके बाद इसी खूबसूरत सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है।